हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो डल रही है। बहुत दिनों बाद क्या, मेरे ख्याल से साल से ज़्यादा हो गया। तो वो इसलिए हो गया कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और कुछ काम की वजह से थोड़ी सी वीडियो वगैरह मैं कुछ डाल नहीं पाया। तो लेकिन अब सोचा है कि एक दो वीडियो डाल देता हूँ चैनल पे। बिना वीडियो डाले भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सबका, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। रीज़न का भी आपको बाद में शेयर करूंगा कि क्यों वीडियो नहीं डाली थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। उस बीच में कई सारी नई चीज़ें भी हुई हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। और सबसे पहले तो ये है कि जो ये कोरोना वोरोना चल रहा है, तो इसका बहुत ही तगड़ा सीन हो रखा है। कहीं पे इस वजह से भी कहीं पे नहीं जा पाया। पहले भी सोचा था, तो ये 5-6 महीने तो ये हो ही गए हैं। तो आज सोचा कि छोटी सी राइड पे जाऊं, और अभी आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ पे जा रहे हैं, थंबनेल से भी पता चल ही गया होगा। तो मिलते हैं हम सीधे बाइक पे, और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, वहाँ के क्या नज़ारे रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लोकेशन हमने डाल ली है जहाँ पे हमें जाना है। GPS ऑन कर लिया है, यहाँ से हमें दिखा रहा है 1 घंटा और 1 मिनट का रास्ता, और लगभग किलोमीटर दिखा रहा है 39 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। कहाँ पे, जहाँ पे कोई बढ़िया सी लोकेशन दिखेगी वहाँ पे हम फ़ोटो वोटो खींच ही लेंगे, और वो आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों संडे राइड का अपना अलग ही मज़ा होता है, खाली खाली रोड सुबह सुबह वाले, और जो ये रोड होते हैं ये बहुत दिनों बाद, ये लगा लो कि जब से हमारा लॉकडाउन चालू हुआ था, कोरोना चालू हुआ था, उसके बाद से राइड की ही नहीं है। ठीक है, वीडियो भी आपको पता ही है बहुत दिनों बाद आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज संडे है तो संडे का दिन है बढ़िया, तो राइड कर लेते हैं एक। और देखो बिल्कुल खाली रोड है, कुछ भी मतलब डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल खाली रोड है, और मज़ा ही आ गया। और इन फ्यूचर अभी जैसे ही सब खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब, तो हम अपना जो है एक लॉन्ग राइड भी करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया जगह जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अभी तो प्रॉपर ग्लव्स व्लव्स और अभी मास्क भी लगा रखा है, बाइक को भी सैनिटाइज किया था, पूरा सैनिटाइज किया था। ठीक है, तो सेफ्टी ज़रूरी है दोस्तों, तो आपको भी ये सेफ्टी करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं वो भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं है, और ये रेड लाइट, तो हमें स्टॉप होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा रोड है ये फरीदाबाद वाला रोड है, और इस पे जितने भी बाइकर आते हैं ना संडे राइड के लिए, वो सारे इसी पे आते हैं मोस्टली। ठीक है, अगर कहीं पे वीडियो में कैप्चर हो पाया तो आप देख भी पाओगे, तो यहाँ पे सारी टोटल जो है पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, तो एक अलग सही मतलब फीलिंग आती है यहाँ पे आते टाइम। मैं कई बार आया हूँ लेकिन मैंने कैप्चर नहीं किया, तो सोचा कि आज यहीं पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या कुछ यहाँ पर एरिया है। यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स भी मिलेंगी जैसे आपको सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, रोड तो बहुत प्यारा है ही है जो कि आपको देख ही रहे हो आप। ठीक है, हम थोड़े से लेट हैं, लेट उठने वाले बंदे तो लेट ही होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। देखो ये इधर राइट साइड में हमारे बाइक कट जा रहे हैं हमारे, ठीक है, ये देखो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो रोड है बहुत ही प्यारा है, रोड की कंडीशंस भी अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पे राइड करने में अलग ही मज़ा आता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वो तो खूबसूरत है ही, अल्टीमेट ब्यूटी है। तो किसी को पता नहीं होता, ये गुड़गांव से जस्ट मेरे ख्याल से मेरे घर से 40 किलोमीटर, मैंने बताया था 39-40 किलोमीटर है घर से, और अपना हरियाणा में ही पड़ता है, गुड़गांव से नज़दीक है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी छोटी राइड कर ली जाए, ज़्यादा राइड करनी अभी थोड़ी सी सही भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखिए नज़ारे। Ah, ah, ah.
तो दोस्तों हम वहाँ तो जा नहीं पाए थे, लेकिन ये नज़ारा मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगा, तो यहाँ के नज़ारे देख लो। एक्चुअली वहाँ पे क्या था कि जाने का रास्ता नहीं था, पेड़ पत्थर ज़्यादा थे इस वजह से। तो हमने सोचा कि फिर कभी देख लेंगे, तो यहाँ से दो चार अपने फ़ोटो वोटो खींचते हैं अच्छे अच्छे से और चलते हैं वापस। क्योंकि देख लो जंगल कितना मतलब घना है, जाने का रास्ता दिखाई भी नहीं दिया था। हालांकि जीपीएस दिखा रहा था जाने का रास्ता, लेकिन रास्ता कहीं था ही नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों फालतू में रिस्क लिया जाए। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। इसमें अगर आओ तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रुप्स में ही आएँ, कम से कम 5-6 के ग्रुप्स में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रास्ता ढूंढने में भी आसानी होगी, इधर उधर रास्ता निकल गया तो दिक्कत भी नहीं होगी, अकेले बंदे के लिए तो दिक्कत होती ही हमेशा। तो यहाँ के नज़ारे ये कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ खींचते हैं फ़ोटो और फिर चलते हैं। फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख लेना, इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा मेरा, फॉलो कर लो। तो दोस्तों ये अपना सचिन, देख के भाई, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। चलिए अजीब सी ट्रैकिंग, तो ये ले लो दोस्तों फाइनली, ये भी एक डेथ वैली जैसा ही नज़ारा है। वो भी सेम है, वो थोड़ी सी ये है कि पानी उसमें ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेन रोड पे, जो हमारा फरीदाबाद वाला हाईवे था। ठीक है, जगह बहुत अच्छी थी देखने में, लेकिन उतनी ज़्यादा डरावनी भी लग रही थी, तो इस वजह से हम आगे रास्ता भी जो था वो पूरा मतलब फुल था, ये पेड़ों से आगे रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि जीपीएस रास्ता दिखा रहा था, लेकिन आगे रास्ता था ही नहीं, पेड़ इतने घने थे पूरे। तो हमने वहीं के आसपास के फ़ोटो लिए, वहाँ से जस्ट ये मेरे ख्याल से 501 किलोमीटर आगे थी, लेकिन इतना ख़राब रास्ता था ना, रास्ते की कंडीशन आपने देखी ली होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो रास्ते की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बस क्या बताऊँ आपको, टोटली ऑफ रोड था, टोटली ऑफ रोड से भी बकवास। तो ये है भाई अपना थ्रोटल श्रोटल की कैफ़े, जहाँ पे मोस्टली बाइकर्स हमारे आते रहते हैं। मस्त मस्त बाइक आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखो हार्ले डेविडसन, ये यामा का पुराना मॉडल वगैरह। ये देखिए डुकाटी, ZX10R, ये सबकी फेवरेट बूसा, अपनी भी फेवरेट है, सबकी फेवरेट के साथ साथ जबरदस्त मशीन है भाई, पावरफुल मशीन। तो दोस्तों हम राइड करके वहाँ से आ गए थे, थ्रोटल श्रोटल से सीधे हम आ गए थे, तो मैंने रास्ते की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो तो एक तरह से नॉर्मल सी थी, वही सेम चीज़, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई और घर आके सीधा हाथ मुंह वगैरह धो के और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी वीडियो में हो सकता था वो मैंने आपको दिखा दिया, और आगे जो भी राइड होंगी वो हम कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा मैं।
ठीक है, अभी बची हैं काफ़ी सारी वीडियो, वो भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि आप लोग कर ही रहे हो, प्यार दे ही रहे हो। नहीं भी मैं वीडियो बना रहा था तो आप तब भी मेरे को प्यार दे रहे थे, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।